हेलो हेलो दोस्तों, मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मज़े में हूँ। सुबह सुबह का हो चुका है टाइम, एकदम सुबह सुबह का टाइम नहीं है दोस्तों, ये नहाने धोने का जो टाइम होता है ना, करीब 8 साढ़े 8 बजे का। अभी तो गर्मियाँ आ गई है, सुबह उठते ही नहा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो पानी का बिल्कुल, पानी से एकदम नज़दीकी बना के सब लोग रखने वाले हैं, और जैसे ही ठंडी आती है सब पानी से दूरी बना के रखने लगते हैं। तो अभी देखिए, मैं दोस्तों नहा चुकी हूँ, मेरे सारे बच्चों ने नहा लिया है, माही, मानसी, अभी, नैन्सी। अभी कुछ 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 चीज़ें अभी ऐसा करने लग गया है ना कि हर वक्त मतलब काम बिगाड़ता है और अपनी दीदियों का बाल खींचता है, उनको तंग करता है, उनको लात से मारता है, कोई भी काम बिगाड़ता रहता है। तो इसलिए अब इसको फटकार लगाना और बीच बीच में इसको एकाध झापड़ लगाना, तो फिर शायद इसको लगे कि हाँ अभी मम्मी से मुझे डांट पड़ेगी या फिर मार पड़ेगी, तो अपनी शरारतों को ये लड़का कम कर दे। इसी में लगे हैं कि ये थोड़ा सा जो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है ना वो कम हो जाए। नैन्सी के और मानसी के तो बाल छोटे हैं, ये लोग खुद से बालों में कंघी वगैरह लगा के कपड़े वगैरह ये लोग सब अपने से पहन लेती हैं, तो बालों में सिर्फ कंघी करनी रहती है तो वो माही की, तो वो भी मैं डेली डेली नहीं करती हूँ दोस्तों, क्योंकि नानी के यहाँ थी तो वहाँ पे अपना बनवा लिया करती थी। लेकिन अभी यहाँ भी जब थी ना मेरे साथ तो ये अपने आप कर लिया करती थी। जैसे मैं रोटी बना रही हूँ या फिर किचन में काम कर रही हूँ तो बाल वगैरह छू नहीं सकती हूँ, तो उस टाइम ये अपने से कर लेती है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी आता है। फिर उसके बाद मैं इसका बाद में ठीक कर देती हूँ। अभी फ्री थी, नहा के मैं भी आई हूँ पूजा करके, तो फिर मैंने कहा चलो माही का बाल बना देते हैं, नहीं तो फिर बाद में एक काम पड़ा रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ सब्जियाँ काटने के लिए, क्योंकि खाना अभी नहीं बना है, सिर्फ बाहर का काम निपटा है। अंदर के जो भी काम होते हैं घरों में, छोटे 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 बहुत सारे काम होते हैं, सबके पास होते हैं, हम हाउस वाइफ के पास तो फिर कामों का भंडार भरा पड़ा होता है, कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो बस हमने कहा चलो अब खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। क्या बनाना है ये भी मुझे नहीं पता था, बच्चों की फरमाइश है दाल चावल बनाओ, लेकिन इतना लेट हो गया, दाल मैं अभी बना नहीं सकती हूँ क्योंकि दाल बनाऊँगी तो फिर कुकर में 3-4 सीटी आने में टाइम लग जाएगा दोस्तों, लगभग 20 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो उतने में मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी और आटा लगा के मैं 2-4 रोटियाँ भी बना दूँगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो कद्दू रखी है, फ्रिज में रखा था कद्दू, कप का है, आधा इसका पहले भी बना लिया था और आधा रखा था। फिर मैंने कहा आज कद्दू और आलू की सब्जी बना लेते हैं, कल सुबह पक्का तुम लोगों के लिए दाल बना देंगे, तो कल मैं जल्दी से कुकर में दाल जो है वो डाल दूंगी, तो ये लोग फिर खाएंगे इनका मन पसंद। और दाल भी अभी ख़त्म हो रही है घर में, नहीं है दाल तो थोड़ा बहुत है जो एक आध दो दिन के लिए भी है, काम चल जाएगा। तो सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है दोस्तों, काटने के बाद एक पानी से इसको मैंने पहले भी धो लिया, और दोबारा से इसको थोड़ा सा ऐसे ही फिर से धो लेंगे और चलते हैं डायरेक्ट रसोई में। तो यहाँ पे कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया दोस्तों, और ये रहा सरसों का तेल। सरसों का तेल कढ़ाई में डालने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है जीरा, उसके बाद कटी हुई प्याज, लहसुन और मेथी का तड़का देंगे इसमें। पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये सिंपल सी सब्जी है, मसाला वगैरह की सब्जी हम रोज़ रोज़ खा के ना दोस्तों बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी मन करता है कि ना बिना मसाले वाली सब्जी मिल जाए तो अच्छा शायद लगे, क्योंकि वही मसाले रोज़ रोज़ खा खा के हम बिल्कुल से परेशान हो जाते हैं और मन भी नहीं करता है खाने का। तो इसलिए कद्दू की सब्जी मैं ज़्यादातर, अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि सिंपल सी पसंद करती हूँ, कद्दू की सब्जी हो गई, बैंगन की सब्जी हो गई, लौकी हो गई, ननुआ वगैरह हो गया। तो जैसे अभी जो है आने लगे हरी सब्जी सेम आ रही है ना बाजारों में, तो इस तरह की सब्जी थोड़ी सी सिंपल रहती है तो अच्छी लगती है, और हमारा मन भी बदल जाता है और सब्जी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो नमक वगैरह हल्दी वगैरह डाल के दोस्तों इस तरह से मैंने सब्जी बना लिया, और चावल बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये तीनों बहनें इस वाले रूम में, बेडरूम में खेल रही थी, और खेलते ही खेलते इन लोगों का अपना कार्यक्रम चालू है। फिर उसके बाद दोस्तों ये हो रहा था दोपहर का टाइम, मैं यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ पे सो जाऊँ, बच्चे सब निकल पड़े थे दादी की तरफ खेलने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही थी और टेंशन में मेरा पूरा दिमाग भरा पड़ा था। यहाँ पे मैं रोने भी लग गई थी, सोने की कोशिश कर रही थी, नहीं सो पा रही थी दोस्तों,
क्योंकि घर में अगर पति ना हो तो फिर पत्नी का मन नहीं लगता है, सब कुछ अधूरा सा लगता है। तो इसलिए बस इसके पापा की मुझे याद आ रही थी और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा कहीं भी, और बस यहाँ पे थोड़ा समय हो गई थी इमोशनल। क्या खाने जा रही हूँ? मुँह में क्या है? हाय माँ, बैलून्स भरी थी मुँह में, पानी साफ मिले। क्या कर रही थी? पहले मुँह से बाहर निकालो, इसको बाहर फेंक के आओ। और ऐसे तोड़ो और कपा कपा खा ले, मैं को इसको एक मिनट में खा करते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लाउज सिलना था मेरा, जो काफ़ी करीब 6 महीने से ये साड़ी मेरे पास आके रखी हुई है। अभी 2 ब्लाउज और सिलने रह गए हैं तो इनको मैं सिल रही हूँ, क्योंकि टाइम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन आज मेरा कोई भी मन नहीं है खेत जाने का, तो इसलिए मैं घर में हूँ और इस ब्लाउज़ को आज मैं फाइनल करूँगी। इसको काट के मैंने काट के यानी कटिंग करके मैंने पहले से रखे थे, तो आज इसको सिल लेती हूँ और बस हो जाएगा। 1-2 घंटे में एक ब्लाउज़ मेरा फाइनल हो जाता है, अस्तर वाले रहते हैं तो, क्योंकि बीच बीच में उठ के कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए अगर सिंपल से ब्लाउज़ रहते हैं ना 30-35 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, तो बस ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं है। लगभग आज चीज़ें हो गई हैं, अस्तर वगैरह मैंने जोड़ ली है, स्लीप वगैरह जोड़ दिए हैं, पैपिन वगैरह लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों ब्लाउज़ बनाने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे से जो कतरन थे ना, इनको उठा के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ब्लाउज़ हमारा आज ये वाला हो चुका है फाइनल और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मुझे ही सिलना रहता है, लेकिन बड़ी टेंशन रहती है दोस्तों, बड़ा काम रहता है इसलिए नहीं हो पाता है कुछ भी। और उसके बाद यहाँ पर ये हो रहा था शाम का टाइम, करीब 4-4:30 बजे का, और आज खाना जो है सिर्फ बनी थी सब्जी और चावल और सब्जी बनी थी, तो खाना कम था, ख़त्म हो गया था। बच्चों को लगी थी भूख, मेरा भी मन कर रहा था कुछ खाने का, लेकिन कुछ था नहीं घर में, तो मैंने कहा चलो आलू रख देते हैं, उबल जाता है, फिर उसके बाद बना लेंगे हम बेसन की टिक्की। और ये देखिए दोस्तों, हमने आलू को रख दिया है कुकर में बॉयल होने के लिए, जब तक मैं 2 सीटी आएगी तब तक मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े आज के रखे थे, धुले नहीं थे मैंने, धूप इतनी हो जाती है और कभी कभी मन भी ठीक नहीं रहता है, तो फिर वैसे ही रखा रह गया था। और मौसम आप सभी को दिख रहा होगा, धूप नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों अजीब सा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, पर अभी बारिश ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबकी खेतों में फसल तैयार हो गई, सब लोग कटाई कर रहे हैं खेतों में गेहूं की। हमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि मजदूर वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं अकेली कर नहीं पाऊंगी, मेरे बस का है नहीं सिर्फ अकेले करना। इसके पापा थे तो उन्होंने और वो और मैं पिछले साल हमने कुछ खुद से कटाई कर ली थी, पर इस बार मैं अकेली हूँ तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ घर पर, इतने सारे काम, सारा कुछ देखना खेत का भी, तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मजदूर अभी हमें मिले नहीं हैं, तो गेहूं की कटाई अभी हमारी शुरू नहीं है। कंडे वगैरह यहाँ पे कुछ नीचे रखे थे, तो बच्चों से मैंने बोला था ऊपर ये लोग ला के रख दिए, फिर मैंने उनको जोड़ दिए ताकि बारिश हो तो मैं उसको ढक सकूँ। उसके बाद दोस्तों हमारा आलू भी बॉयल हो चुका था, ठंडा होने के लिए मैंने इसको रख दिया था कुछ देर के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ठंडा भी जल्दी हो जाएगा और इससे आलू के जो छिलके हैं ना वो फूल के ऊपर आ जाते हैं, बस हाथ लगाते ही तुरंत निकल जाते हैं, तो इसकी आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की। तो इधर दूध रखा हुआ था, ये सुबह का दूध है, मैंने इसको आज बॉयल नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि अभी किसी ने खाया ही नहीं तो दूध का बिल्कुल याद ही नहीं रहा, फ्रिज में पड़ा रहा, तो इधर मैंने दूध भी रख दिया है और हो सकता है कि अभी हम चाय भी बना लेंगे, क्योंकि टिक्की बनाने जा रहे हैं तो चाय या फिर चटनी चाहिए ही चाहिए। तो इधर आलू को मैं हाथों से इस तरह से मैश कर ले रही हूँ, ज़्यादा इसको मैश करने की ज़रूरत है नहीं, बस सिंपल सा बस हाथों से फोड़ लेना है। और ये रहा बेसन, तो इस बेसन का मैं बनाऊंगी बेटर, यानी कि घोल मोटा सा बना के रख लेंगे, पहले से बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा फूल जाएगा तो अच्छा रहेगा, पहले से बेटर बना के रखो तो। वैसे कुछ था नहीं, घर का हमारा बनवाया हुआ बेसन था, लेकिन फिर भी चालना तो थोड़ा सा बनता है ना, तो इसको हमने इस तरह से पानी डाल के गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लिया है,
और हमने इसमें डाल दिया है हल्दी और नमक। अजवाइन नहीं डाला है दोस्तों, अजवाइन भी डाल सकते हो लेकिन अजवाइन मैंने नहीं डाला है, अपनी अपनी पसंद होती है, जो जिसको जैसा पसंद है वैसा ही। तो इस तरह से मैंने बैटर इसका मोटा सा तैयार कर दिया। वैसे भी मुझे लग रहा है इसमें पानी की ज़रूरत थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। और अब इसका जो जितना जैसे बैटर हमें चाहिए ना जितना पतला, वैसे बन के ये हो चुका है रेडी। अब हम कर लेते हैं आलू को फ्राई, यानी कि आलू को तल लेते हैं। जब टिकिया बनाएंगे तो थोड़ा सा तल के बनाएंगे तो अच्छा रहता है। वैसे तो सिंपल सा ऐसे भी आप दम आलू मसाला और चाट मसाला नमक वगैरह डाल के बना सकते हो, पर मेरा अपना अलग सा तरीका है, बगैर फ्राई किए मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तो इसलिए फ्राई करना ज़रूरी हो जाता है। जीरे से मैंने तड़का दिया है सरसों के तेल में, और इसमें मैं अब डाल दूँगी थोड़ा सा दम आलू मसाला, उसके बाद चाट मसाला डाल देंगे, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर। बस इस तरह से कर लिया है हमने। नमक हमने बेसन में भी मिला के रखा है तो इसलिए ध्यान देना है। और अब इसको मैं आज सरसों के तेल में ही फ्राई करूँगी दोस्तों। तो सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और इधर जो फिलिंग है ना इसको भी हमने तैयार कर लिया है, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। तो हाथों से इस तरह से इसके हम बॉल नहीं पेड़े बनाएंगे, बॉल वैसे गोला भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको चपटा कर दिया है तो ये पेड़े के जैसा हो गया है, ताकि इसके ऊपर अच्छे से जो है बेसन का कोट है ना वो चढ़े, इसलिए मैंने इसको इस थोड़ा सा चपटा कर दिया है, तो पेड़े का आकार दे दिया। और थोड़ा सा ही बना रही हूँ दोस्तों, आलू ज़्यादा दिखा होगा आप सभी को, कुछ आलू कुछ नहीं आधे आलू मैंने फ्रीज में रख दिए हैं, वो हम कल सुबह नाश्ते में कुछ बना लेंगे। और बेसन भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है कि बच ही जाएगा, तो फिर हो सकता है हम सुबह बना लें। पर फ्राई करने के बाद मैंने नहीं निकाले हैं आलू को, फ्राई करने के पहले ही निकाल दिए हैं कि कुछ और पता नहीं क्या मूड हो जाए खाने का, तो इसलिए अब इस तरह से चम्मच से हम इसको डाल देंगे और थोड़ा सा कोड लगा चढ़ाते जाएंगे, क्योंकि नीचे की साइड कम कोड रहता है ना बेसन का, तो थोड़ा अच्छे से कर देंगे। और इस तरह से सारे पकौड़ों को टिक्की बोल सकते, टिक्की तो आलू टिक्की हमारी बनके हो गई है तैयार। इसी तरह से सारे टिक्की को हम कर लेंगे फ्राई, और बीच बीच में जो छोटे छोटे गिरते हैं ना इन्हीं से तेल थोड़ा सा हो जाता है गंदा, तो इतना तो चलता है जब पकौड़े वगैरह बनाते हैं हम ना, तो बेसन तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिरता ही है, तो तेल धीरे धीरे हो रहा था कम दोस्तों, तो इसलिए हम दो पहले तो चार, फिर उसके बाद तीन, फिर ऐसे धीरे धीरे करके सारे पकौड़ों को निकालेंगे। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा। कल की वीडियो में आप सभी की बहुत सारी शिकायतें थी, कमेंट जाके आप लोग देखिएगा, मतलब बहुत तरह तरह के कमेंट में झूठ बोलती हूँ, चालबाज हूँ, और अपनी फैमिली मानती हूँ, आप सभी को कुछ बताती नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं कल या परसों की वीडियो में आप सभी को बताऊँगी, क्योंकि आप सभी की जो कमेंट है ना कहीं उनसे भी मुझे बहुत दुख पहुँचा है, इसलिए मुझे रोना आ गया था। अकेले रहना और सबकी बातें सुनना चारों तरफ से, तो कौन औरत है जिसकी आंखों में आंसू नहीं आएगा, कौन सी औरत है जो दुखी नहीं होगी। एक तो खुद अकेली है घर में, ऊपर से चार लोगों की बातें सुनना घर में भी ससुराल में भी, और एक आप लोग भी मतलब सुनाते हो, तो इसलिए रोना आ ही जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं कल या परसों की वीडियो में आप सभी से पक्का बताऊँगी, अब नहीं छुपाऊँगी मैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने तो कर लिया था नाश्ता, बच्चों ने भी कर लिया था, शाम का टाइम हो रहा था, और ये देखिए इनका खेल खिलौना चालू है। चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के।